My name is Nurgis Mavovala, and I'm a professor of physics at MIT. Now, with that kind of start in experimental physics, you would have thought I might have chosen a different career. Astrophysicist Nurgis Mavovala, School of Science ki pehli khatoon dean hongi. Of pushing something to the limits, of having a safe landing after failure, would define my career as a scientist. और उन्होंने खला में कशिश सकल की लहरें and if a gravitational wave came by that came from a reasonably you know nearby neutron star binary system. अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत है उनका नाम है नरगिस मावलवाला। नरगिस मावलवाला एक पाकिस्तानी नजात अमरीकी माहिर फलकियात हैं। वो एक अमरीकन दरसगाह में फलकी तबीयात की मुअल्लिमा हैं, जहां वो इस जामिया के साइंस के स्कूल की अफसर आला हैं। वो इससे कबल इस दरसगाह के शोबे तबीयात की फीका सरबरा भी रह चुकी हैं। नरगिस इससे पहले लीगो मंसूबे में कशिश सकल की लहरों का पता लगाने और मैक्रोस्कोपिक क्वांटम जैसे असरात जिसमें ऑप्टो मैकेनिक्स में निचोड़ने के तजरबाती मुजाहरे के लिए मशहूर थीं। इन्हें साल 2010 में मैक आर्थर फेलोशिप से नवाजा गया। ये तो था नरगिस का मुख्तसर सा तारुफ। आइए अब उनकी ज़िंदगी पर तफसीलन नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में आपसे बात करेंगे। नरगिस लाहौर में पैदा हुई, लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने कराची पाकिस्तान में परवरिश पाई। उन्होंने कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी कराची में शिरकत की, जहां उन्होंने इब्तदाई सनत काबिलियत के साथ हासिल की। वो 1986 में रियासत हाय मुत्तहिदा चली गईं और वेल्सले कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1990 में तबीयात और फलकियात में सनत हासिल की। इसके बाद उन्होंने MIT तबीयात के शोबे में रेनर वीज के ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की और साल 1997 में PhD की सनत हासिल की। नरगिस एक पारसी ख़ानदान में पैदा हुई जो ज़रदश्ती मज़हब पर अमल करता था। मावलवाला दो बच्चों में सबसे छोटी थी। MIT में इब्तदाई तालिबे इल्म के तौर पर उन्होंने अपना मज़ीद काम रेनर वेव्स के तहत किया, जहां नरगिस ने कशिश सकल की लहरों का पता लगाने के लिए एक लीगो मंसूबा तैयार किया। इब्तदाई स्कूल के बाद उन्होंने PhD के मुहक्किक के तौर पर और फिर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक रिसर्च साइंसदान के तौर पर काम किया। अपना काम कॉस्मिक माइक्रोवेव पसे मंजर के साथ शुरू किया और फिर बिलाखिर लीगो पर काम किया। नरगिस मावलवाला बुनियादी तौर पर तबीयात के दो शोबों पर तवज्जो मरकूज करती हैं, जिसमें कशिश सकल की लहरें, फलकी तबीयात और क्वांटम पैमाइश साइंस शामिल हैं। नरगिस ने साल 2002 में MIT तबीयात शोबे में शमूलियत इख्तियार की। साल 2017 में वो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए मुंतखब हुई थी। आइए अब बात करते हैं उस मंसूबे की जिससे नरगिस ने कशिश सकल की लहरों का पता लगाया। मावलवाला साइंसदानों की टीम में शामिल थी। उन्होंने पहली बार खलाई वक्त के ताने बाने में लहरों का मुशाहिदा किया, जिसे कशिश सकल की लहरें कहते हैं। नरगिस साल 1991 से कशिश सकल की लहरों पर काम कर रही थी। मुशाहिदे के ऐलान के बाद वो अपनी जाए पैदाइश पाकिस्तान में फौरी तौर पर मशहूर साइंसदान बन गईं। पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के एक बयान में नरगिस की तारीफ की गई और इन्हें पाकिस्तानी साइंसदानों और मुस्तकबिल के साइंसदान बनने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए इल्हाम का ज़रिया करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी कौम को इनके ग्रान कदर शराकत पर फ़ख्र है।
26 फरवरी 2016 को अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर जलील अब्बास जिलानी ने मावलवाला को फल्की तबीयात के शोबे में शानदार कामयाबी पर हकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुबारकबाद का पैगाम पहुंचाया। उन्होंने इन्हें दोबारा पाकिस्तान आने की दावत भी दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। आइए अब बात करते हैं उनके लेज़र कूलिंग के मंसूबे के बारे में। आईने को तकरीबन मुतलिक सिफर तक ऑप्टिकल कूलिंग थर्मल वाइब्रेशन से पैदा होने वाले पैमाइशी शोर को ख़त्म करने में मदद कर सकता है। नरगिस के काम का एक हिस्सा नजरी तौर पर ठंडा करने और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े अशिया को फंसाने के लिए लेज़र कूलिंग तकनीक की तौसी पर मरकूज है। दोनों लीगो मंसूबे के लिए और दीगर सहूलियात के लिए जैसे कि मैक्रोस्कोपिक अशिया में क्वांटम मुजाहिर के मुशाहिदे को काबिल बनाना, इस इलाके में इनके अंजुमन के नुमाया नताइज में 1 सेंटीमीटर पैमाने की चीज़ को 0.8 केल्विन दर्जा हरारत पर ठंडा करना और इसकी क्वांटम ज़मीनी हालत के करीब 2.7 किलोग्राम पेंडुलम का मुशाहिदा शामिल है। ये तजर्बात इंसानी पैमाने पर अशिया में क्वांटम रवैये के मुशाहिदे की बुनियादें रखते हैं। अगर रोशनी की क्वांटम हालतें, इस मंसूबे पर नरगिस ने क्या काम किया, तो नरगिस ने रोशनी की गैर मुल्की क्वांटम रियासतों की तरक्की पर भी काम किया है और ख़ास तौर पर निचोड़े हुए मरबूत रियासतों में रोशनी की तख्लीक पर भी काम किया है। इनके अंजुमन ने क्वांटम शोर को कम करके डिटेक्टर की हसासियत को बहुत बेहतर बनाया। इस तरह की निचोड़ी हुई रियासतों में तजर्बाती तबीयात में बहुत सी दूसरी सहूलियात भी मौजूद हैं। इनका अंजुमन वो पहला था जिसने कमरे के दर्जे हरारत पर ऑप्टो मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हुए निचोड़ रोशनी पैदा की। पिछले तमाम ऑप्टो मैकेनिकल निचोड़ रोशनी के ज़राए के मुकाबले जो क्रायोजेनिक दर्जे हरारत पर काम करते थे, जो कि बहुत ही कम दर्जे हरारत होता है। अगर नरगिस की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात की जाए तो उन्होंने एक दफ़ा एक निजी अखबार को इंटरव्यू में बताया कि मैं एक ऐसे ख़ानदान में पली बढ़ी जहाँ दकियानूसी सिन्फी किरदारों को हकीकत में नहीं देखा जाता था, इसलिए मैं ये सोच कर बड़ी हुई कि ख़वातीन को कुछ भी करना चाहिए और ये बहुत अहम है। वो पाकिस्तान में अफराद की सिन्फी किरदारों और बदनुमा दागों को तोड़ने की सलाहियत के बारे में भी कहती हैं कि किसी को भी ये काम करने के काबिल होना चाहिए और मैं इसका सबूत हूँ क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में से हूँ, हक के साथ मौके का मजमूआ, और मेरे लिए ऐसा करना मुमकिन था। नरगिस को अक्सर बरसगीर पाक व हिंद में जड़ें रखने वाली ख़वातीन साइंसदानों के लिए एक मिसाली शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। नरगिस को बचपन से ही साइंस में रुझान था। इनकी बहन और इनकी परवरिश के अंदाज की वजह से वो बरसगीर की सकाफत में दकियानूसी सिन्फी किरदारों की पाबंद नहीं थी। नरगिस का कहना है कि इनकी कामयाबी का ज़्यादातर हिस्सा अमेरिका और पाकिस्तान दोनों में अच्छे असातिज़ा को दिया जाएगा, जिन्होंने इनकी तालीमी काबिलियत की हौसला अफजाई की। साल 2016 में एक टेलीविज़न इंटरव्यू में नरगिस ने कहा, जब हर किसी को तालीम तक रसाई हासिल होती है जबकि दूसरी तमाम चीज़ें फिर अपनी जगह पर आ जाती हैं। वो कहती हैं कि हमें सबसे पहले ये करना होगा जिससे हमें खुशी मिलती है, इसे करने का रास्ता तलाश करना होगा। लोगों को सिर्फ वही करना चाहिए जो इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, और मैं समझती हूँ कि पूरे मुआशरे के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो या कहीं और, हमें नौजवान लड़कियों के लिए ऐसे मौके पैदा करने होंगे जो वो अच्छी तरह से कर सकें और जो उनको पसंद है वो वही करें। उन्हें अपनी हैरत का एहसास पैदा करना चाहिए। नरगिस मावलवाला के 2 बच्चे हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं। मावलवाला ने कराची में ख़ानदान बढ़ाया और 2010 में शहर का दौरा किया। तो नाज़रीन, ये थी नरगिस मावलवाला के बारे में मुकम्मल मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी तरह नरगिस की कहानी से ज़रूर मुतासिर हुए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फ़ीडबैक हमें कॉमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएँ और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।